माता आशापुरी के दरबार में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत पर बसी माता आशापुरी का मंदिर अति प्राचीन और वैभवशाली है। इस मंदिर में आज भी भक्तों की मनोकामनाएं और उनकी आशाएं पूरी होती हैं। मंदिर के संबंध में जानकार बताते हैं कि यह मंदिर पांडवकालीन है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा माता आशापुरी की स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर पांडवों ने कठिन तपस्या की थी। इसके बाद उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी और फिर उन्होंने दुश्मनों पर हमला करते हुए विजयश्री प्राप्त की थी। नवरात्रि के दौरान माता आशापुरी के मंदिर में 9 दिनों तक आसपास के कई गांव के भक्तों द्वारा माता को चुनरी अर्पित की जाती है। वहीं स्थानीय समिति द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए कई प्रकार के सकारात्मक कदम उठाए गए। माता के भक्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर अति प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है। मंदिर अपने प्राचीन स्वरूप में गुफानुमा था, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। भक्तों के सहयोग और मंदिर समिति के अथक प्रयासों से मंदिर अब भव्य और विशाल हो चुका है। नवरात्रि के दौरान भक्तों के सहयोग से 9 दिन तक अनवरत खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया जाता है। वहीं मंदिर के आसपास मेला भी लगता है, इसमें कई दुकानें होती हैं। पूरे 9 दिन तक विभिन्न राज्यों के साथ कई जिलों के श्रद्धालु भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। विद्वान यह भी बताते हैं कि माता आशापुरी भारत भर के लगभग 50 से अधिक कुल गोत्रों की कुल देवी हैं, इसलिए दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन विभिन्न राज्यों के भक्त माता के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। जिन भक्तों की आशाएं पूर्ण होती हैं, वे अपने बच्चों के साथ माता के दरबार में तुलादान करने के लिए आते हैं। मंदिर समिति के द्वारा मंदिर को आकर्षक लाइट से सजाया गया है। वहीं भगवान शिव की आदमकद प्रतिमा भी भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। आपको हम यहाँ पर माता जी की भक्त माता जी से मिलाएंगे। माता जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 30 साल से आ रहे हैं। क्या आज आप किस बात किसलिए आए हैं? हम चुंडी यात्रा में चुंडी चढ़ाने। अच्छा, चुंडी यात्रा कहाँ से लाए हैं आप? नौना से। कितने सालों से ला रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं। ठीक ठीक रात्रि में भक्तों की विशेष भीड़ माता जी के मंदिर में लगी हुई है, क्या विशेषता है? माँ आशापुरी मंदिर पांडवकालीन होकर पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी, साथ ही आलाउदल ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। माता जी को 28 गोत्र के गोत्र देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि माँ स्वयंभू होकर दिन में 3 उपवास धारण करती है। और माता जी की जो नाम है आशा, सभी लोग अपने आशा के अनुरूप मन्नत देते हैं, माता जी उनकी सबकी आशा पूरी करती है। माँ का मंदिर प्राचीन होकर और एक गुफानुमा मंदिर हुआ करता था। संत मोनी बाबा के सानिध्य में 2012 में इसका जीर्णोद्धार होकर आज मंदिर का भव्य रूप देख रहे हैं। नवरात्रि में आप आयोजन समिति की ओर से विशेष कार्यक्रम क्या किया जाता है? मंदिर समिति की ओर से चूंकि सत्यंडी महायज्ञ का आयोजन होता है, जो 9 दिन तक चलता है, साथ ही विशेष रूप से विशेष महाआरती मंगलवार के दिन होती है, जो कि बहुत भव्य रूप में होती है। दिन भर सभी भक्तों के लिए खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, साथ ही नवमी पर विशाल कन्याभोजन का आयोजन किया जाता है। कितने प्रांतों से यहाँ भक्तगण पधारते हैं? माता जी के दरबार में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से आते, साथ ही मध्य प्रदेश के आसपास के कम से कम दो जिन संभाग, इंदौर संभाग, देवास संभाग से आते हैं। आपका क्या नाम? इल्लू यादव। ठीक। प्रतिदिन हजारों भक्त आ रहे हैं, तो मंदिर की और माता जी की क्या विशेषता है? माँ साक्षात बैठी हुई, साक्षात का मतलब स्वयं प्रकट हुई है। यह आदिकाल से मतलब कि द्वापर युग से है, अर्जुन ने यहाँ तपस्या करके माँ को प्रकट किया था, बाद में ऋषि मुनियों ने फिर प्रकट किया है और उसके बाद में महिमा बढ़ती ही गई। ये माता जी साक्षात बैठी हुई है, मतलब कि जो भी यहाँ आस करके आता है उसकी आस अवश्य पूरी होती है। माँ दिन में 3 रूप बदलती है। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।